कहूंगा कि देखिए हार जो है वो बहुत खूबसूरत है, उसमें एक नगीना है वो मैं हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू नो ऑल द बेस्ट, क्योंकि हम पैंडेमिक से आप पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं, सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। सो मुझे पता है फॉर अ गर्ल टू हैव सो मेनी प्लेसेस, सो मेनी शॉप्स टू शॉप, यू नो इतने सारे ब्रांड्स एक साथ होंगे, अच्छा खाना होगा, अच्छा म्यूज़िक होगा, मैंने अभी भी सुना कि वहाँ पर एक फन जोन भी होगा। सो वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड कि हम एक शॉपिंग स्पेयर में जाने वाले जहाँ पे इनका क्रेडिट कार्ड और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। सो आप तैयार हैं? ऑफ कोर्स, मैं अपने क्रेडिट कार्ड्स कार्ड सारे जिम में रख के लेके आया हूँ, और मैं जैसा कि मुझे जो भी रिक्वायरमेंट होगी, ये अगर इनको लगता है कि शॉपिंग करनी होगी, मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से वो शॉपिंग का एक्सपीरियंस जो है सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे हो गया है। हम फ़ोन पे ऑर्डर करते हैं, घर आता है, चेंज किया और पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो। लेकिन जो मज़ा शॉप पे जाके शॉपिंग करने में, वो मज़ा घर पे बैठ के नहीं है। तो यहाँ पे आके क्योंकि दोस्तों के साथ में घूमने भी आ सकते हो, घर से बाहर निकल के आप यू नो खुश हो सकते हो, बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो ये बेटर एनवायरनमेंट है। I'm not a brand conscious person. I wear everything from Lokhandwala to Elko Market to Bandra. It just needs to look good. And मुझे लगता है कि आप जो भी पहनोगे वो भी आपका स्टाइल बन जाएगा। और म्यूजिक वीडियो का बहुत ट्रेंड चल रहा है, कुछ चीज़ें हैं बट पाइपलाइन में, सो वंस इट हैपेंस आई विल लेट यू गाइस नो। थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोग को शॉपिंग हमेशा बहुत अच्छी लगती है, अलग अलग ड्रेसेस, ज्वेलरी, शूज़। तो 5 साल पहले, कोविड के पहले, नेहा ने मुझे इस बी टाउन वीकली मार्केट में बुलाया था, और बहुत समय गुजर गया है, तो आई एम ग्लैड कि मैं अपने शॉपिंग के लिस्ट को वापस अपडेट कर सकती हूँ। तो मैं खास करके नेहा फ्रॉम लाडीडा के लिए आई हूँ, और मैंने आज लाडीडा पहना भी है नेहा से, सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। यस, माई न्यू फिल्म इज़ कमिंग विद विद्युत जामवाल, सो फिंगर्स क्रॉस्ड वो थिएटर में लगेगी और धमाल मचाएगी। किरदार के बारे में अगर थोड़ा कुछ बताना चाहो? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं। विद्युत जामवाल के साथ एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि इंसान अगर मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है ना, तो मार्शल आर्टिस्ट बन के बाहर निकल आता है। तो वो ऐसा है, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव है मार्शल आर्टिस्ट को लेकर। आपने कुछ एक्शन वैक्शन कुछ किया है? हाँ, वो तो अब एक्शन फिल्म विद्युत जामवाल के साथ है तो बनता है ना एक्शन करना। थैंक यू। The surprise, I think we all know that there is going to be a great flea show and which is going to happen in Khar Gymkhana. So you guys are going to see us all there, so you also be there, and it's going to be great fun. You see lot of girls there, and I hope that everybody comes here and enjoy this event that's going to happen very soon. So aaj kitni taiyari karni padegi? Nahi, bilkul time nahi laga hai. What are you saying? I got ready very fast, and then yeah, only the time laga travel me from my house to this place, but then it's all worth it. Juhi is a very very dear friend, so when it comes to friends, I'm always there. And what do you want to say about the ambience here? I'm still waiting to go inside. It looks really nice, very promising, very positive and happening. So I guess we're going to have a great fun inside. Any of your upcoming projects you'd like to share? Yes, my couple of series are coming now. So after Chamma, there is a song coming very soon. So after that, we're going to see that. Thank you. Quite excited because I think this is the first time when we have a lot of stalls being put up by Bollywood stars. So I'm excited to see what they want to represent and what stalls they'll put up. Flea's always a great, you know, seller for me because, you know, the kind of products and the stuff that you get at flea market, you don't get online or in shopping, you know, like stores. So Flea is always fun, and you go with friends, have a kind of a picnic, you know, you drink, you shop. It's a great outing for me. So yeah. Any of your upcoming projects you'd like to share with us? I have just finished a short film with Shishir Sharma, which will be out on FNP's Media Wire, and I'm working on a feature film which is produced by an independent production house. So that's going to be out next year. So keep watching. Thank you. I think I'm really excited. It's the 5th year B Town ka. Every year they have been tremendously growing, and this time more than 250 stalls and adventure zone, a live bar. I think ye weekend ka perfect getaway hoga apni family ke saath. So all the best, and we are looking forward to see this
2 days of madness at the B-Town field. Yes. I think any girl, or I think in fact for that matter anybody would be very happy to get discounts and shop. So I am super excited because where there are discounts, I am shopping. Okay, thank you. बहुत excited हूँ. ये first time तो नहीं हो रहा है, हर साल होता है. और जूही जो है बहुत ही प्यार से, and she is very passionate about this. तो जो भी चीज़ मेरा मानना है passion से की जाती है उसमें तो results आने ही हैं. आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में यहाँ पे सेलिब्रिटीज़, लोग, सोशलाइट्स सब जमा हुए हैं यहाँ पे अपना सपोर्ट देने के लिए जूही को. एंड बी डाउन प्ली रॉक्स. थैंक यू. क्या अलग होने वाला है कोविड के 2 साल में, देखे अब जो है वहाँ कैसे आने वाला है बी टाउन प्ली? क्या ये बी टाउन प्ली का 5th edition है. 2018 में हमने चालू किया था. 2020 तक हमारे 10 शो हो जाने चाहिए थे बट हुए नहीं अनफॉर्चुनेटली कोविड के वजह से. अभी ये पोस्ट पैंडेमिक शो है. ये इसके लिए अलग है क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट टाइम फिटनेस इनकॉर्पोरेट किया है. फिटनेस इससे पहले कभी भी B2C मॉडल में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है. ये हम लोग पहली बार ही इंडियाज़ गॉट टैलेंट के भी लोग लेके आ रहे हैं जो मलखम उधर परफॉर्म करेंगे सैटरडे शाम 7 बजे. और बेली डांसिंग से लेके शिवाली का योगा से लेके डीजे एलेक्स का परफॉर्मेंस, रैपर आप जो बोलिए हमारे पास सब है ये टाइम. इस बार ही हमने फर्स्ट टाइम एक एडवेंचर जोन उधर क्रिएट किया था. जो नॉर्मली एडवेंचर जोन बच्चों के लिए होता है ये फर्स्ट टाइम हम लोग ने एडल्ट्स के लिए भी क्रिएट किया है. उधर जिपलाइन है, रैपलिंग है, टायर क्लाइंबिंग है और बच्चों के लिए बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ भी है. मोर देन 10 वर्कशॉप्स आर हैपनिंग. बहुत कुछ है इवेंट पे. मतलब आप आएंगे अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आएगा उधर उसके लिए सब कुछ है कुछ ना कुछ. प्लस हमारे लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि हमने वापस तीसरी बारी इन अ रो 200 स्टॉल क्रॉस करे हैं. तो हमारे पास 200 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं. आप आइए अपनी दिवाली की शॉपिंग कीजिए हमारे साथ, इन्जॉय कीजिए, मज़े कीजिए और गो होम कीजिए. वीकेंड आपका सॉर्टेड है हमारे साथ. ये फ्ली मार्केट बहुत टाइम के बाद हुआ है इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है. आप लोग का साथ हो एंड वी वांट मोर एंड मोर पीपल टू कम वाया यू. वी वांट टू स्प्रेड द वर्ड. एंड सबसे बड़ी चीज़ है ये एक वुमेन एंटरप्रेन्योर रन बिजनेस है. ये बिज़नेस मैं और मेरी मम्मी चला रहे हैं फ़िलहाल. एंड ये हमारे सपना था एंड हम लोग बहुत खुश है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम लोग ये टाइम पर पहुँचे. आज का जो इन्फ्लुएंसर मीट है ये हमारा बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर मीट है क्योंकि हमारे पास ढेर सारे सेलिब्रिटी से लेके ब्लॉगर से लेके आप बोलिए हमारे पास आज सब है जो आए हमारे हमारा सिर्फ हम लोग को साथ देने के लिए और कुछ नहीं. दे आर योर मेरे लिए, मेरे इवेंट के लिए एंड सबसे बड़ी चीज़ दे आर योर टू सपोर्ट अ वुमेन एंड दैट मीन्स अ लॉट. दैट्स रियली अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सो आज का जो एम्बियंस है यहाँ का, क्या कहना चाहिए अपने शो के बारे में, क्या कहना चाहिए, कितने एक्साइटेड है आज की नाइट? वेल आई थिंक सबसे पहले तो आज की इवनिंग स्टार्ट हुई है विक्टोरिया सीक्रेट से. आई एम वेरी हैप्पी कि इट हैज़ फाइनली बीन लॉन्च इन इंडिया एंड दैट टू इन मुंबई. एंड ऑल्सो मतलब वो ऑलमोस्ट स्टॉक से बहुत ज़्यादा बाहर भी हो चुके हैं. सेकेंडली है फ्ली मार्केट के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि वीकेंड में होने वाला है, बांद्रा में होने वाला है. एंड आई थिंक सो एज अ वुमन या फिर एज अ गर्ल आई थिंक सो वी ऑल लव फ्ली मार्केट. देयर इज ऑलवेज समथिंग डिफरेंट दैट इज आउट देयर. सबके लिए कुछ ना कुछ रहता है. एंड ऑल्सो इट इज ऑर्गेनाइज बाई जूही एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. क्या सबसे ज़्यादा फ्ली मार्केट में आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या क्या होने वाला है बिकॉज फ्ली मार्केट इनडायरेक्टली मतलब एक ऐसा मार्केट रहता है जहाँ पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं तो यूजुअली आपको कहीं पर भी शॉप पर नहीं मिलेंगे. तो आई एम ऑल्सो लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या क्या हो सकता है वहाँ पर. पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं बट ऑन फ्लोर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो मैं पक्का बता नहीं सकती हूँ. तो वंस दे आर कन्फर्म फॉर श्योर. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट म्यूजिक वीडियोज, इन दिनों म्यूजिक वीडियोज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपको आगे म्यूजिक वीडियोज में भी देखें? बिल्कुल, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं कोई म्यूजिक वीडियो करूँ. जल्द ही मैं वेट कर रही हूँ कि कोई ना कोई म्यूजिक वीडियो आए. मेरे पास एक था बट आई वॉन्ट थिंग्स टू गेट फाइनलाइज एंड मटीरियलाइज फास्ट. Okay, thank you. Thank you. This is Reshma Jani, a luxury
producer and event curator. I'm so happy to be here today to support my friends who are the creators of B-Town Flea. I've been attending their events since a couple of years and I wish them all the best. Neha and Juhi, you rock, and they have some amazing brands on board this year for shopping. So do come and visit B-Town Flea this year. Thank you. Thanks. Actually, I am very excited to go attend the B-Town Flea. I have heard there's a food zone, a fitness zone, a fun zone, an adventure zone and live performances. So I'm very, very excited about the 15th and the 16th and to attend this event.